What are your strengths and weaknesses? सर ये सबसे चूतिया सवाल है सर. सबसे पहले तो स्ट्रेंथ है ही नहीं. In English, please. I'm telling you. Why will I tell you my weaknesses? मैं आपको अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के नाम पे बताऊंगा. You know, जैसे English. I'm a perfectionist. मैं वर्कहोलिक हूँ. मैं innocent. English. अच्छा बैंक क्या लौड़े? क्या English, English, English लगा रखा है बे? 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहां काम करते थे. खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझको स्कूल में भर्ती करवाया. अब कहने के लिए तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे. हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो व्हाट्सअप डॉग ऐसे बात नहीं करते हैं. क्या भौंक रहा है तेरा लंडा आजकल है? ऐसे गले मिलते हैं. किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग. सब ये कहते थे माँ बाप टीचर लोग. गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी, भाग बैंचो तुमको क्या करना है. इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह. मैं IIT, मैं NIT. अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है. I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers, while my hands were tied to my back by my friends, and my parents watched in silence. Aur English sunega to madarchod to sun. 10th ke baad 2 saal lag gaye is college mein ghusne ke liye coaching mein nikal diye. Na kuch khele, na kuch seekhe. Aur 2 saal baad jab yahan pahunche, to pata chala ki bade shaharon ke convent school ke padhe bacche jab angrezi mein baat karte hain, to mare hue phool bhi khil uthte hain. Ah ha 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 ha. हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुनके. और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवनसाथी.com मान चुकी है. तुझे क्या लगता है? मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूं, अपने पर्सनालिटी पे काम करूं. बहुत लगा. ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियोरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, गांड मार के रख लिया हमारी. महीनों तक नहाना भूल जाते हम लोग और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हम ऐसे ही रहना चाहते हैं. अब इस साल में 1 बार कल्चरल फेस्टिवल आता, 1 बार, उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है. अरे बिना इंग्लिश बोले, बिना लड़कियों से बात किए कौन गांडू रहना चाहता है वैसे? पर टाइम कहां है कुछ सीखने के लिए? लगे पड़े कोडिंग सीखने, 3-3 लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग इंग्लिश छोड़ के. लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए. इट इज नॉट दैट वी कैनॉट स्पीक इंग्लिश सर, वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर डिक्शन एंड आवर प्रोनाउंसिएशन एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स. इफ द करिकुलम वाज अ लिटिल बिट डिवर्स, इफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन आवर कंट्री फोकस्ड ऑन आवर ऑलराउंड डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ फंक्शनिंग लाइक अ गॉडडैम फैक्ट्री दैट इज जस्ट मास प्रोड्यूसिंग रोबोट्स बाय किलिंग देयर ड्रीम्स एंड हैंडिंग आउट डिग्रीज, आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर इन दिस पॉइंटलेस HR इंटरव्यू द लाइक्स ऑफ व्हिच एग्जिस्ट ओनली इन आवर कंट्री. येलो सर, बोल दिया मैंने 4 और लाइन अंग्रेजी में. अब बताइए क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं? डू आई हैव द पोटेंशियल टू बी अ स्लेव ऑफ योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन?